एक तरफ गहलोत पायलट की लड़ाई से राजस्थान कांग्रेस का माहौल काफी गर्म है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गर्माहट में अपने हाथ सेक कर पूरे मजे ले रही है। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस की गुटबाजी को राजनीतिक संकट बताते हुए चुटकी तक ले डाली। बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर है, हाईकमान भी इसे लेकर काफी सीरियस है। चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति बना रही है। पूर्वी राजस्थान में कमजोर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस बार इस ओर अपना पूरा ध्यान दे रही है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर आ रहे हैं। इससे पहले फरवरी में पीएम मोदी भी दौसा में सभा कर चुके हैं। सवाई माधोपुर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि पूर्वी राजस्थान में हो रहे अमित शाह के दौरे के पीछे पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी की नजर गहलोत पायलट की लड़ाई से फायदा उठाने पर है। गुर्जर बहुल पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का प्रभाव है और इस समय पायलट और गहलोत की खींचतान अपने चरम पर है। ऐसे में पायलट वाले प्रभाव क्षेत्र में बीजेपी अपना फोकस बढ़ाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर सहित पूर्वी राजस्थान के इलाकों में इस समय पायलट के प्रति सहानुभूति की लहर है। इस सहानुभूति को बीजेपी कांग्रेस से नाराज हो रहे पायलट समर्थकों को अपने पक्ष में करने के लिए भुनाएगी। अमित शाह के दौरे का समय इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में पीएम मोदी का आबू रोड, मानगढ़, आसिंद और दौरा का दौसा हो या जेपी नड्डा और अमित शाह के अब तक के दौरे, इसे लेकर ये साफ है कि बीजेपी राजस्थान में अपना पूरा फोकस कर रही है। इसके अलावा राजस्थान में हो रहे केंद्रीय नेताओं के दौरे पर यदि गौर करें तो ये साफ दिख रहा है कि पार्टी पूरी तरह से जातियों और समाजों को साधने पर फोकस कर रही है। बीजेपी बड़े वोट बैंक वाली जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी की रणनीति है कि जिन जिलों में भाजपा की स्थिति कमजोर है वहां पीएम मोदी सहित केंद्रीय नेताओं की सभाएं कराई जाए। आने वाले दिनों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में भी पीएम मोदी और अमित शाह की सभाएं कराने की प्लानिंग चल रही है। प्रदेश में चुनाव तक मोदी सहित केंद्रीय नेताओं का जोर उन संभागों और उन जिलों पर होगा जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है। बीते दिनों में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और दौसा में सभा करके मोदी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। पिछले चुनाव के नतीजों पर यदि गौर करें तो सीकर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर जिलों में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। इन 6 जिलों में कुल 29 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इसके अलावा अलवर जिले की 11, जोधपुर की 10, बाड़मेर की 7 में से बीजेपी के पास सिर्फ 2-2 सीटें हैं। कभी बीजेपी के लिए मजबूत क्षेत्र माने जाने वाले जयपुर जिले में पिछले चुनाव में 19 में से बीजेपी मात्र 6 सीटें ही हासिल कर पाई थी। इसी लिहाज से अमित शाह भरतपुर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। इस बार बीजेपी की रणनीति है कि इन 8 जिलों में फिर से 2013 का इतिहास दोहराया जाए। इसी वजह से फरवरी में जयपुर संभाग के दौसा में पीएम मोदी की सभा हुई और अब भरतपुर में अमित शाह का दौरा हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की ये रणनीति बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दिला पाती है। आपका बीजेपी के नेताओं के दौरों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।